नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए प्लेइंग 11 हर टीम की लगभग मैं बता चुका हूं, हर टीम के आंकड़े बता चुका हूं, क्या क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या क्या रणनीतियां होंगी। अब बात आती है कि भाई इंपैक्ट खिलाड़ी कौन होगा। प्लेइंग 11 तो हमने बता दी, लेकिन इंपैक्ट खिलाड़ी कौन होगा, किस खिलाड़ी के ऊपर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर भरोसा टीमें जताएंगी, तो हर टीम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल की, कि राजस्थान रॉयल की जो टीम है वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर कौन से खिलाड़ी को शामिल कर सकती है, कौन से खिलाड़ी को मौका दे सकती है, क्योंकि इंपैक्ट खिलाड़ी का बड़ा अच्छा किरदार होता है। टीमें अगर सही तरीके से इंपैक्ट खिलाड़ी को चुनती हैं तो वो बड़ी मजबूत नजर आती हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है प्लेइंग 11 से अलग, तो किस तरीके से आप उस खिलाड़ी पर भरोसा जताओगे बड़ा देखने वाली बात होती है। तो ऐसे में अगर राजस्थान की मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, सबसे पहले विदेशी खिलाड़ियों की, तो देखिए जोस बटलर तो रहने वाले 100% रहने वाले हैं, हेटमायर 100% रहने वाले हैं, और उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट, मतलब ये तीन विदेशी खिलाड़ी 100% आपको प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं विदेशी खिलाड़ी के तौर पर। अब ऐसे में राजस्थान की टीम एक चाल चल सकती है। अब राजस्थान की टीम अगर विदेशी ऑलराउंडर को खिलाने के तौर पर देखेगी तो यहां पर रोमन पावेल है, रोमन पावेल बड़े अच्छे कर रहे हैं, टॉम कोलर कोडमोर है, टॉम कोलर कोडमोर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खिलाया जाता है तो फिर क्या होगा कि विदेशी खिलाड़ियों का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा चार खिलाड़ियों का, और फिर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर राजस्थान किसी विदेशी खिलाड़ी को नहीं रख सकती। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। उसके बाद में अगर राजस्थान की टीम तीन विदेशी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में रखती है, जोस बटलर, हेटमार और ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि ये तीनों तो बाहर नहीं होंगे, सीधी सीधी सी बात है, तो राजस्थान की टीम फिर इंडियन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है, जैसे कि संजू सैमसन तो रहने वाले हैं, यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं इंडियन खिलाड़ी के तौर पर ऊपरी क्रम पर, उसके बाद में नंबर तीन पर संजू आएंगे, नंबर चार पर आप रियान पराग को खिला लो, बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है, नंबर पांच पर आपके लिए हेटमार आएंगे, नंबर छह पर आप शुभम दुबे को खिला लो, भारतीय ऑलराउंडर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं, बहुत शानदार बल्लेबाज है, कमाल के ऑलराउंडर भी माने जाते हैं, उसके बाद में नंबर सात, फिर उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन आपके लिए आ जाएंगे, उसके बाद में आपके पास गेंदबाजी आपकी बड़ी मजबूत है, क्योंकि आवेश खान आपके पास आ चुके हैं, कुलदीप सेन आपके पास है, नवदीप सैनी आपके पास है, प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है, संदीप शर्मा आपके पास है, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्लेइंग 11 में केवल तीन भारतीय खिलाड़ियों को आप रख सकते हो। ठीक है, अब प्लेइंग 11 में अगर तीन भारतीय खिलाड़ी रहेंगे तो आपके लिए एक फायदा हो जाएगा, आपके लिए सॉरी प्लेइंग 11 में अगर तीन विदेशी खिलाड़ी रहेंगे तो आपके लिए एक फायदा हो जाएगा, आप फिर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर किसी विदेशी खिलाड़ी को रख सकते हो। अब जैसे अगर आपको गेंदबाज की जरूरत है तो आप नांद्रे बर्गर को खिला लो, क्योंकि नांद्रे बर्गर जो है आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं गेंदबाजी में, अगर आपके बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बना दिया तो नांद्रे बर्गर आपके स्कोर को बचा सकते हैं, तो नांद्रे बर्गर बड़े फायदेमंद है। अगर आपको हिटर चाहिए अच्छा तो कोडमोर और रोमन पावेल है, तो आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इन खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में रख सकते हो। तो ऐसे में राजस्थान की टीम के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है कि वो इंपैक्ट खिलाड़ी मतलब प्लेइंग 11 में तीन विदेशी खिलाड़ियों को रखें और इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर विदेशी खिलाड़ी की जगह को खाली रखें, ताकि नांद्रे बर्गर और रोमन पावेल या कोडमोर जैसे खिलाड़ी को मौका दिया जा सके। क्योंकि अगर चार विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो गए तो फिर भारतीय खिलाड़ियों को उस तरीके से मौका नहीं मिल पाएगा जैसा मिलना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कि शानदार तरीके से ध्रुव जुरैल बहुत अच्छा कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल को मौका मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से रियान पराग को नंबर चार पर इस बार खेलना चाहिए, लेकिन अगर रोमन पावेल या फिर कोडमोर आएंगे प्लेइंग 11 में तो नंबर चार पर रियान पराग को मौका नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में राजस्थान की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि हेटमार तो नंबर पांच पर होंगे, अब नंबर चार की जगह खाली है, नंबर चार पर कौन होगा। तो मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके की फॉर्म में है रियान पराग, मेरा ऐसा मानना है कि रियान पराग को नंबर चार पर अगर राजस्थान की टीम खिलाएगी तो राजस्थान की टीम को बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है राजस्थान की टीम के लिए अगर नंबर चार पर राजस्थान की टीम रियान पराग को मौका देती है। नंबर पांच पर आपके लिए फिर हेटमार आ जाएंगे, नंबर छह पर शिवम दुबे को भेज दीजिए, अच्छे ऑलराउंडर कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर ध्रुव जुरैल को भेज दीजिए, अच्छे हिटर है, हमने 2023 में ध्रुव जुरैल को देखा है बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी हिटिंग करते हुए, तो ये राजस्थान के लिए कारगर साबित हो सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में ज्यादा मौका दीजिए, विदेशी खिलाड़ी के तौर पर केवल तीन विदेशी खिलाड़ियों को रखिए, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए और इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर कौन सा खिलाड़ी शामिल होना चाहिए, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर रखना फायदेमंद साबित हो सकता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।